गुड मॉर्निंग गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी तस्वीर की जो बीती रात जब सामने आई तो ऑब्वियसली दिलों की धड़कनें बहुत तेजी से इसलिए बढ़ने लगी, और खास तौर पर जब मैं बोल रहा हूं कि दिलों की धड़कन बढ़ने लगी तो उसमें चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस की कुछ ज्यादा ही परेशानियां बढ़ी होंगी इस तस्वीर की वजह से। क्योंकि जो हमने देखा, मोहम्मद हसनैन और फाफ डुप्लेसी के बीच एक टक्कर होती है, उसके बाद ऑब्वियसली ऐसा लगा जैसे कोई गंभीर चोट डुप्लेसी को उस वक्त पे लग गई है। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से इधर बोलते हैं जी कि कंकशन सब्स्टिट्यूट आएगा जिसमें सायम अयूब का नाम लिया जाता है, और दूसरी तरफ जो है फटाफट उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है। ऐसा लगता है कि कहीं स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह से नई नई बातें उस वक्त पे सामने निकल कर आ रही थी कि भाई अस्पताल ले जाया जा रहा है, अस्पताल में एडमिट होंगे, उसके उस दौरान ही सारे के सारे टेस्ट होंगे, रिपोर्ट सामने निकल कर आएगी, ये सारी की सारी बातें जिस दौरान चल रही थी, परेशानी लगातार बढ़ रही थी। और क्योंकि अगर आप ये ट्वीट देखें मुनाफ पटेल का, तो एक तरफ यूरो चल रहे थे और दूसरी तरफ ये हम पीएसएल की जो तस्वीर देख रहे थे उसका भी जिक्र था। और उन्होंने दोनों को लेकर के, क्रिश्चियन एरिक्सन को लेकर के जो बात सामने निकल कर आई वो भी आपने देखी, और उसके बाद ये तस्वीर उस दौरान, ये दोनों ही तस्वीरें निश्चित तौर पर जो भी खेल के दीवाने हैं, जो भी क्रिकेट या फुटबॉल के फैंस हैं, उनको इन दोनों तस्वीरों से बहुत ज्यादा डर लगा। एक तरफ आप देख सकते हैं क्रिश्चियन एरिक्सन की तस्वीरें, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं जो मोहम्मद हसनैन और फाफ डुप्लेसी के बीच जो भिड़ंत हुई उसने हर किसी को डरा दिया था। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि खास तौर पे चेन्नई सुपर किंग्स के फैन, क्योंकि चेन्नई के लिए इस वक्त पे उनका एक एक खिलाड़ी बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। आपको पता है कि इंग्लैंड के खिलाड़ी वैसे ही अभी तक किसी तरह की कोई स्थिति में नहीं है आईपीएल खेलने की, और ऐसे में एक ऐसा खिलाड़ी फाफ डुप्लेसी जो कि स्टार परफॉर्मर रहे, बीता सीजन देख लीजिए, ये सीजन देख लीजिए, कमाल के रन आए उनके, मिस्टर कंसिस्टेंट। अभी जिस तरह से ऋतुराज गायकवाड़ ने कहा था कि महेंद्र सिंह धोनी को अगर सलाह भी लेनी होती है, बीच मैच के दौरान डुप्लेसी के पास जाते हैं, घंटों दोनों के बीच बात होती है, प्रैक्टिस सेशंस में भी, मैच के दौरान भी। तो उस लिहाज से ये बहुत एक ऐसी घटना थी जिसने निश्चित तौर पर एक तरह से दिलों की धड़कन को थाम लिया था। लेकिन सुबह होते होते जो खबरें आ रही है, खासतौर पर दोनों खिलाड़ियों के लिए, फाफ को लेकर के इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि निश्चित तौर पर जो आप लोग निश्चित तौर पर बड़े चिंतित हैं, और क्योंकि एरिक्सन को लेकर के हम एक रात को अपडेट दे चुके हैं, फाफ को लेकर अभी अपडेट है कि वो पूरे तरीके से स्वस्थ हैं, होटल जो टीम होटल है वहां पर वो वापस लौट चुके हैं, और वो फिलहाल अभी उम्मीद ये की जा रही है, जो कि हम कंकशन सब्स्टिट्यूट के तौर पर खिलाड़ियों को देखते हैं भैया, कि दो तीन गेम्स या दो तीन दिन अगर आप देखें, क्योंकि पीएसएल में मैचेस भी आपको एक कंटिन्यूटी के साथ खेलने हैं और बहुत कम स्पेस है, तो उस लिहाज से आप देखेंगे कि कम से कम दो तीन दिन अभी उन्हें जो है एक तरह से ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। क्योंकि आप कई बार जानते हैं कि कंकशन जब किसी को होता है खिलाड़ी को, तो सब्स्टिट्यूट तो आता ही है, लेकिन उस दौरान फिर अगले 24 से 48 घंटे बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं ऑब्जर्वेशन को लेकर, और उसी ऑब्जर्वेशन में फाफ रहेंगे। तो हो सकता है आने वाला एक मुकाबला या ज्यादा से ज्यादा दो मुकाबले, क्योंकि अभी जो बुलेटिन आया है उनसे रिलेटेड वो सामने निकल कर नहीं आया। सिर्फ ये अच्छी खबर सामने निकल कर आई है सभी के लिए कि वो अब टीम होटल वापस लौट गए, यानी घबराहट की बात नहीं है, तो ये एक अच्छी खबर है। और उम्मीद यही रहती है यार कि सुबह सुबह जो है आपको अच्छी खबरें दी जाए, कोशिश ये की जाए कि ऐसी खबरें हों जो निश्चित तौर पर आपके चेहरे पर एक मुस्कान लाए, तो यही कोशिश है हमारी, और लगातार दिन भर इसी तरह से अलग अलग अपडेट्स के साथ आते रहेंगे। आज का दिन बहुत बड़ा होने वाला है, आपने इससे पहले ये भी देखा होगा कि किस तरह से भाई आज न्यूजीलैंड सीरीज जीतने की एक तरह से दहलीज पर खड़ा है, फ्रेंच ओपन में आज फाइनल है, तो बहुत सारी चीजें, यूरो में आज एक बड़ा मुकाबला है, तो आज का दिन बहुत बड़ा है अगर आप खेल के लिहाज से इसे देखें तो। निश्चित तौर पर हम भी पूरे तरीके से तैयार हैं, और बस चाहते हैं कि आप लोग इसी तरह से प्यार देते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।